पहुंचकर जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है। तो हमने देखा कि पिछले कारोबारी सप्ताह में जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है कोविड का, उस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली। गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी उठापटक हमने देखी, जहां गोल्ड पहले फिसल कर 47,400 के करीब गया, वहां से दोबारा 48,000 के ऊपर के लेवल देखे और दोबारा जो क्लोजिंग थी वो करीबन 47,700 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स में देखने मिली है। वहीं फरवरी फ्यूचर्स में हमने देखा कि 48,000 के करीब का क्लोजिंग प्राइस ने दी है। आने वाले हफ्ते में अगर हम फरवरी फ्यूचर्स की बात करें, क्योंकि वहीं पर पोजीशन बनाई जा सकती है अभी, तो ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में 47,800 तक के लेवल देखने मिलेंगे और वहां से प्राइजेस बढ़कर दोबारा 48,400 तक जा सकती हैं। तो एक वॉलेटाइल सेशन आगे भी देखने मिलेगा, लेकिन जो निवेशक हैं वो डिप का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी बाइंग ऑन डिप एडवाइज्ड होगी, क्योंकि अगर कोविड का ख़तरा दोबारा बढ़ रहा है तो इससे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, जिस वजह से डॉलर में प्रेशर देखने मिल सकता है और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक बाइंग का रुझान देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं चांदी में भी जैसे मैंने बताया बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। जहां तक लेवल की बात है तो 61,500 से 61,300 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां तक हो सकता है आने वाले एक या दो सेशन में प्राइस फिसल सकती हैं, लेकिन जो पूरा हफ्ता है वो तेज़ी के साथ प्राइसेस चलेंगी, ऐसा एक अनुमान मेरा है। और हो सकता है कि हम आने वाले एक हफ्ते में दोबारा 63,500 तक के लेवल देख पाएँ। तो अगर हम 61,500 के करीब प्राइसेस को देखते हैं डोमेस्टिक बाज़ार में, तो वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अपसाइड में 63,500 का व्यू लेके चला सकता है। सिमिलरली अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 22.7 डॉलर्स के करीब सपोर्ट है और अपसाइड में लगभग 24 डॉलर तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर हम जो कच्चे तेल की बात करें, यानी एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो एक कच्चे तेल में जहां गिरावट देखने मिली, वहीं पर MCX नेचुरल गैस में तेज़ी का रुझान देखने मिला। तो कच्चे तेल में दो कारण थे। पहला एक कारण था मंदी का, जहां पर सप्लाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ चार या पांच और देशों ने ये डिक्लेयर किया कि जो उनके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, जो एमरजेंसी यूज़ के लिए कच्चे तेल को स्टोर करते हैं, वहाँ से लगभग 60 से 65 मिलियन बैरल्स का जो एक रिलीज़ है वो हम आने वाले एक महीने में हमें देखने मिलेगा। इसके साथ हमने सप्लाई में बढ़ोतरी की जो संभावना है वो होते हुए देखी। साथ ही जो कोविड वेरिएंट की अभी हमने बात की, उससे डिमांड कम होने की संभावना हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हैं कच्चे तेल के लिए, और इसी वजह से हमने पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखा कि लगभग 9 से 10% की एक भारी गिरावट के साथ डोमेस्टिक बाज़ार में 5,200 के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी 75 डॉलर्स के नीचे की क्लोजिंग हमने ब्रेंट क्रूड में आते हुए देखी है। तो आने वाले सप्ताह में ऐसा लगता है कि 5,300 से 5,350 तक डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेंड के साथ चलना चाहें तो सेलोन रैलीज का एक रुझान रहेगा और डाउनसाइड में 5,050 और हो सकता है उसके बाद 4,900 तक के लेवल भी हमें देखने मिलेंगे। वहीं पर नेचुरल गैस में 405 के जो स्तर थे वो टेस्ट हो चुके हैं। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि 350 तक के स्तर देखने मिलेंगे और वहां से दोबारा तेज़ी आ सकती है, तो वही चीज़ हमने होते हुए देखी है। दोनों रुझान हमने देखे, पहले हफ्ते के शुरुआत में हमने मंदी का रुझान देखा, लेकिन निचले स्तरों से दोबारा बाज़ार ने तेज़ी पकड़ी और 405 के करीब क्लोजिंग दी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है या शॉर्ट कवरिंग है ये और एक्सटेंड हो सकती है और 425 से 430 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड में 385 एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो अगर 390 से 95 तक की भी डिप मिले तो वहां पर एक्युमुलेट किया जा सकता है, और एक से दो हफ्ते का व्यू लेकर चलें तो 430 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। वहीं बेस मेटल्स में हमने दोबारा दोनों साइड का रुझान देखने मिला, जहां शुरुआती दौर में हमने 750 तक के स्तर भी देखे थे, वहीं हफ्ते का अंत होते होते 728 तक के क्लोजिंग कॉपर ने
दी है। ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है ये और एक्सटेंड होगी और 718 से 715 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं जिंक में भी हमें 265 तक के स्तर देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एल्युमिनियम में हमने 215 तक के स्तर देखे थे, इनफैक्ट 218 तक के भी लेवल हमने देखे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ख़राब है हुई है और 207 के करीब की क्लोजिंग है। ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है ये 201 से 202 तक दोबारा एक्सटेंड होगी। तो बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में भी सेलोन रैलीज का रुझान रहेगा, यानी उछल जो भी आते हैं या देखने मिलते हैं उस पर बिकवाली करके चला जा सकता है। तो ये था एक जायजा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले कुछ सेशंस में क्या रुझान देखने मिल सकता है। धन्यवाद।